प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद इंदौर के सरकारी व निजी अस्पतालों का धर्रा बिगड़ता जा रहा है। बीते दिनों शहर के लाल अस्पताल में एक नवजात की मौत के बाद शुक्रवार को छत्रीपुरा थाना क्षेत्र के बंसल अस्पताल में लापरवाही के चलते एक मासूम की जान चली गई। इंदौर के छौंसी नगर की रहने वाली नेहा सारडा को परिजनों ने बीते दिन डिलीवरी के लिए बंसल अस्पताल में भर्ती कराया था। मामले में परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर वंदना तिवारी की लापरवाही के कारण 4 किलो के स्वस्थ बच्चे की जान चली गई, जिसके बाद परिजनों ने छत्रीपुरा थाने में अस्पताल प्रबंधन और लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। मामले में पुलिस ने बताया कि फरियादी पक्ष की शिकायत पर मामले की जांच की जा रही है। वहीं बंसल अस्पताल पर कोई अनहोनी घटना न हो इसके लिए पुलिस बल लगाया गया है। वहीं डॉक्टर वंदना तिवारी ने उन पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। तब मेरे जो साले साहब हैं, उनकी मिसेज श्रीमती नेहा सारडा, उनकी डिलीवरी थी आज। विगत एक माह से वो बंसल हॉस्पिटल, मतलब जो है यहाँ पे बियाबानी में, उनसे रिलेटेड एक मैडम है वंदना तिवारी, उन्हें दिखा रहे थे विगत एक माह से। आज उन्हें जब असहनीय दर्द हुआ तो उसके दौरान उन्होंने मैडम से कॉन्टेक्ट किया, तो मैडम ने कहा बंसल हॉस्पिटल आ जाइए। जब वो बंसल हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने वहाँ जा करके जिस स्थिति देखी हॉस्पिटल की, तो उन्होंने कहा कि आप और कहीं कर दीजिए, तो मैडम ने कहा कि आप यहीं करवाइए, मैं यहीं कर पाऊँगी। उसके बाद में जब मैडम की अनुपस्थिति में मैडम जब नहीं आई, तो इन्हें जब दर्द होने लगा तो उसके दौरान उन्हें वहाँ की जो स्टाफ था उन्होंने इंजेक्शन के डोज वगैरह दिए, जिससे वो दर्द और बढ़ा। तो जब पीड़ा बहुत ज़्यादा होने लगी तो उन्होंने कहा कि आप मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। तब मैडम वगैरह हॉस्पिटल में जब आई तो उस दौरान नर्सों ने और मैडम ने उन्हें काफ़ी तरह से प्रताड़ित किया। नर्सों ने उन्हें मारा और उन्हें ये एब्यूजिंग की गई कि आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए थी तो हम नॉर्मली करके बताएंगे अब। और जिस दौरान बेबी बाहर आ रहा था तो उस समय जब सक्शन लगाया जाता है तो सक्शन की जगह उन्होंने हाथ से उस बेबी को निकालने की कोशिश करी, और उस डिलीवरी पेज में जब बच्चा बाहर आया तो बच्चे को ब्रीथ वगैरह नहीं हुई, बच्चा रोया भी नहीं। तो उन्होंने कहा आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाइए। और इस दौरान फिर हम उन्हें SNS हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे उसे बच्चे को NICU में शिफ्ट किया। वहाँ के जो डॉक्टर प्रभारी थे जफर खान जी, उन्होंने कहा कि बच्चे की डिलीवरी के दौरान जो लापरवाही की गई है उसके दौरान ही ये घटनाक्रम हुआ है। और फिर शाम को हमने अग्निबाण न्यूज़ की एक वो देखी, जिसमें वंदना तिवारी जो मैडम है उनके खिलाफ कल ही एक केस हुआ है, जिसकी लिखित में SP ऑफिस में शिकायत दर्ज की गई है कि बच्चे के डिलीवरी के दौरान मैडम ने मोबाइल पे ही वहाँ की नर्सों को बताया कि आप इस तरह से करें, मैडम समय पे नहीं पहुँच पाए, जिसके दौरान वो बच्चा नहीं रहा। तो ये जो भी लापरवाही अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई है उसकी वजह से आज हमारा बच्चा भी वेंटिलेटर पे है। और हम यही चाहते हैं कि जो भी लापरवाही इसमें मैडम के द्वारा की गई है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। कर्ता सारदा अरविंद सारदा जी ने सूचना किया है कि उनके भाई सामन सारदा की पत्नी नेहा सारदा को कल दिन में 3 बजे करीब डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी तिवारी मैडम ने करवाई, डॉक्टर तिवारी ने, तो बता रहे हैं कि उस समय बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको 4 अस्पताल के नाम बताए थे, जिसमें SNS अस्पताल भी है, वहाँ ये लेके गए थे बच्चे को। तो वहाँ डॉक्टर, क्या नाम है उनका, मोबिलियन है, लापरवाही सामने आई है क्या कहीं ना कहीं डॉक्टर की, अस्पताल की? अभी जांच में है, अब जांच के बाद सब देखने के बाद ही पता का मामला है। ये अपने बंसल बंसल हॉस्पिटल राजमुल्ला का।